कोयटा रेलवे स्टेशन पर धमाका, 12 अफराद जमहक, 20 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, हालत तशवीशनाक है। सिविल हॉस्पिटल कोयटा में इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। बात कर लेते हैं इरफान सईद, हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान बताएगा इब्तदाई तौर पर क्या मालूमात सामने आ सकें। जी बिल्कुल, कोयटा रेलवे स्टेशन पर यह धमाका हुआ है। जब 9 बजे आज जाफर एक्सप्रेस जो कि रावलपिंडी के लिए रवाना होनी थी, उससे उसकी ट्रेन की रवानगी से कबल ही धमाका हुआ है, जिसमें 12 इस वक्त डेड बॉडी सिविल हॉस्पिटल कोयटा मुंतकिल की जा चुकी है, जबकि 20 से जायद जख्मी जो है इस वक्त सिविल हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में लाए गए हैं, जिनमें जख्मियों में जो है मुतद्दद की तशवीशनाक हालत है। इस वक्त सिविल हॉस्पिटल कोयटा में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। डेड बॉडी जो है इस वक्त तकरीबन 12 के करीब जो डेड बॉडी सिविल हॉस्पिटल कोयटा मुंतकिल की जा चुकी है। इस वक्त सिविल हॉस्पिटल में 20 से ज्यादा जो जख्मी है उनको लाया गया है। ट्रेन जो थी वो 9 बजे इसने कोयटा से रवाना होना था रावलपिंडी के लिए। ट्रेन इस वक्त जो उस जब धमाका हुआ उस वक्त ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लगी नहीं थी, उससे कबल ही मुसाफिर अपने सामान के साथ प्लेटफॉर्म पे मौजूद थे और बहुत बड़ी तादाद मुसाफिरों की उस वक्त जब ये धमाका हुआ है रेलवे स्टेशन पर मौजूद थी। जिस वक्त धमाका हुआ है धमाका इतना शदीद नौयत का था कि प्लेटफॉर्म की जो छत है वो भी उसको भी शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि धमाके की आवाज पूरे शहर में सुनाई दी। अब तक जो तहकीकाती इदारे इस वक्त मौजूद हैं, धमाके की नौयत का पता लगाया जा रहा है कि धमाका क्या धमाके की नौयत का भी पता लगाया जा रहा है। इरफान बहुत शुक्रिया आपका।